किचन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम चिकन टिक्का बनाएंगे। किचन की ओर चलते हैं। ये हमने 1 किलो यहाँ पे चिकन लिया हुआ है। नमक लगा के हमने वॉश करके लिया हुआ है अच्छी तरह से। हमने इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में काट के लिया हुआ है, आप देख सकते हो। इसकी जो चिकनाई है तो हमने उसको निकाल के लिया हुआ है, 1-2 रखा हुआ है पीसेस आपको दिखाने के लिए। अगर ये हम रखेंगे तो ये तेल में उड़ने का बहुत चांसेस होता है, तेल उड़ जाता है, इसके लिए हमने सब निकाल के रखा हुआ है। ये हमने नींबू रस लिया हुआ है, इसमें से हम 1 चम्मच नींबू रस यूज करेंगे। दस ग्राम कोपरा हमने भून के पीसा हुआ है। बेसन का आटा हमने 2 चम्मच यहाँ पे लिया हुआ है। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हुआ है हमने यहाँ पे 1 चम्मच। 1 चम्मच हमने कश्मीरी मिर्ची लिया हुआ है यहाँ पे, यह हमारी घर की मिर्ची है। ये मिर्ची पाउडर हमने 2 चम्मच यहाँ पे लिया हुआ है, इसको थोड़ा तीखा ज्यादा चाहिए। नमक हमने यहाँ पे 1.5 चम्मच लिया हुआ, छोटे चम्मच से। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया हुआ है। गरम मसाला हमने लिया हुआ है 1/2 चम्मच। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करके लेंगे। ये बेसन का आटा सबसे पहले लगाएंगे इस तरह से। अगर हम बेसन का आटा लगा रहे तो किस लिए, तो ये जो चिकनाई है तो ये उड़ेगा नहीं, इसके लिए हम बेसन का आटा लगाएंगे। आप बेसन का आटा लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सारे मसाले हम एक साथ में इसको अच्छी तरह से कोट करके लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 2 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। तब तक हम तेल गरम करके लेंगे। हमने यहाँ पे मसाला मिक्स करके लिया हुआ है, 2 मिनट के लिए हमने छोड़ा हुआ था। अगर हम ज्यादा छोड़ेंगे तो इसका पानी छूट जाता है नमक का, तो वो तेल में चटपटा आवाज देता है। इसके लिए हमने तुरंत यहाँ पे तेल रखा हुआ है, तेल हमारा गर्म हो चुका है, हमने थोड़ा सा ही तेल लिया हुआ है यहाँ पे। अगर हम ज्यादा तेल लेंगे तो इसको सुनहरा कलर नहीं आएगा, इसके लिए हमने यहाँ पे कम तेल लिया हुआ है। एक एक करके हम पीसेस छोड़ देंगे। आप देख सकते हो कितना तुरंत कलर आया हुआ है इसको, इसको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं अगर हम कम तेल यूज करेंगे। और ये जल्दी भी बनता है, रेडी होता है बहुत जल्दी। Thank you.
तो हम एक एक करके प्लेट में निकाल के लेंगे। आप देख सकते हो सुनहरा कलर आ चुका है इसको, अभी हम सारे इसी तरह से बना के लेंगे। आप देख सकते हो हमने थोड़ा सा ही तेल लिया हुआ था, अभी और भी इतना बचा हुआ है। अगर हम थोड़ा तेल लेंगे तो ज्यादा तेल यूज नहीं होगा, खास करके चिकन के लिए। यहाँ पे हमने बना के लिया हुआ है सारा, आप देख सकते हो बहुत ही तुरंत बनी हुई चीज है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है, बच्चे लोगों को भी बहुत फेवरेट चीज है ये। चिकन टिक्का हमारा बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप अपने घर में ट्राई जरूर कीजिए और मुझे बताइए। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।